अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जमात नौहूम मज़मून सियासियात में बैनुल अक़वामी मसाइल का मुताला कर रहे हैं। बच्चों, इसी सबक की पिछली वजाहती वीडियो के ज़रिए हमने हकूक़ के माहौल, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात के आलूदा होने के असबाब, माहौलियात के लिए दिगर मुल्कों का बाहमी ताउन वगैरह के बारे में मालूमात हासिल की। बच्चों, जिस तरीके से माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ एक आलमी मसला है, उसी तरीके से अब हम एक ऐसे मसले की तरफ बढ़ते हैं जो आलमी मसला बहुत ही पेचीदा माना जाता है, जिसे हम और आप इंतहा पसंदी यानी दहशतगर्दी के नाम से जानते हैं। बच्चों, इंतहा पसंदी के बारे में हम आज की इस वीडियो के ज़रिए से मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इंतहा पसंदी को दहशतगर्दी भी कहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में टेररिज्म नाम से जाना जाता है। इंतहा पसंदी में चंद अफराद अपने माशी और सियासी मकासद हासिल करने के लिए बेगुनाह लोगों और हुकूमत के ख़िलाफ़ ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल करके समाज में खौफ और हिरास का माहौल पैदा करते हैं, जिसे इंतहा पसंदी यानी दहशतगर्दी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इंतहा पसंदी एक मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद तरीके से किया जाने वाला तशद्दुद है। तशद्दुद के मानी होते हैं झगड़ा, फसाद फैलाना, खौफ हरास का माहौल पैदा करना, इसे तशद्दुद कहा जाता है। इसीलिए अब इंतहा पसंदी भी एक आलमी मसला बन चुका है, क्योंकि ये हमारे ही मुल्क का मसला नहीं बल्कि दुनिया के बेशुमार मुल्कों में इंतहा पसंदी के ग्रोहों ने तबाही मचा रखी है। लिहाजा इससे निपटने के लिए कई मुमालिक मिलकर इकदाम भी उठा रहे हैं।